जोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड सीजन फर्स्ट एपिसोड 4। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें अकीरा और केंचो दिखाए जाते हैं जो कि उस बिल्डिंग के ऊपर रहते हैं जहाँ पर उन्होंने डेरा डाल लिया था। और जो अकीरा था वो एक जोम्बी गेम खेल रहा होता है और जो केंचो था वो उनके लिए खाना बना रहा होता है। घर पर कैंपिंग करना भी अकीरा की लिस्ट में था जिसके बाद वो खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अकीरा केंचो से कहता है कि उसे सब कुछ आता है इसलिए वो इतना पॉपुलर है। जहाँ पर केंचो अकीरा से कहता है कि खाना बनाना तो सबको ही आना चाहिए, तुम्हें ये नहीं आता शायद इसलिए तुम सिंगल हो अभी तक। इसे सुनकर अकीरा को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो आगे किसी लड़की को पटाएगा पर वो नीचे देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तो यहाँ पर गर्ल तो बहुत दूर की बात है। जिसके बाद जो केंचो था वो अकीरा की बकेट लिस्ट पढ़ने लगता है और वहाँ पर वो पढ़ता है कि उसे एक एयर होस्टेस के साथ डिनर करना है। जिसके बाद वो देखता है कि उसने अभी तक सिर्फ 33 ही काम लिखे हैं। जिसके बाद जो केंचो था वो भी अपना एक काम यानी स्टैंड अप कॉमेडियन बनना उसमें लिख देता है। जहाँ पर अकीरा कहता है कि ये उसकी लिस्ट है और अब उसे भी ये काम करना पड़ेगा। जिसके बाद केंचो कहता है कि हम दोनों इसे साथ में इस लिस्ट को कम्प्लीट कर सकते हैं। और जिसके अगले सीन में अकीरा कहता है कि अब उसे बहुत बड़ा टीवी चाहिए गेम खेलने के लिए। जिसके बाद वो दोनों ही एक टीवी लेने के लिए निकल पड़ते हैं बाइक पर। जिसके बाद बाइक पर जाते हुए अकीरा वहाँ पर केंचो से पूछने लगता है कि उसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों बनना है। जहाँ पर केंचो बताता है कि उसे बचपन से ही कॉमेडी शोज पसंद है इसलिए वो ऐसा बनना चाहता है। जिसके बाद अकीरा भी अपने सपने के बारे में सोचने लगता है और वो दोनों ही मॉल पहुंच जाते हैं। पर वहाँ पर रास्ता पूरी तरीके से खराब हो चुका था ज़ॉम्बीज़ के चलते और उनके पीछे एक ट्रक आ रहा होता है जिसका कि अब वहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला था क्योंकि उसमें बैठा ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके बाद केंचो अकीरा को वहाँ से चलने के लिए कहता है। जिसके बाद अकीरा वहाँ पर एक सब में देखता है जिसके बाद वो अपनी बाइक को उसे ट्रक के पास ले जाने लगता है और एक कार से जंप करवाकर उस सब में के अंदर ले जाता है और साथ ही वहाँ पर ट्रक भी ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद अकीरा बाइक को अंडरग्राउंड ले जाता है पर वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे। जिसके बाद उन्हें मॉल में जाने का रास्ता मिल जाता है और वो शटर खोलकर अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर मॉल में पहले से ही कुछ लोग थे जिसमें कि तीन गर्ल्स और एक बॉय था और वो उनसे पूछते हैं कि उनमें से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं। और वो तीनों ही बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ से घिरी हुई थी। जहाँ पर केंचो बोलता है कि वो एक स्टोर के अंदर है और इससे खुशी की बात क्या होगी क्योंकि उन्हें वहाँ पर खाने के लिए अच्छा फूड मिल सकता है। जिसके बाद वो गर्ल्स सारी रिलैक्स होकर वहाँ पर कुछ खाने के लिए ले जाती है और वो बैठकर वहां पर डिनर करने लगते हैं और जहां पर वो बातें करने लगते हैं पर जो वो दूसरा आदमी था वो वहां पर डरा हुआ ही बैठा था। जिसके बाद हमें वो तीनों गर्ल्स दिखाई जाती हैं जिनका नाम रीका माकी और युकारी होता है और वो बताते हैं कि वो फ्लाइट से जापान में लैंड हुई थी और ये पैंडेमिक स्टार्ट हो गया। उसे सुनकर वहाँ पर वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि ये तीनों ही एयर होस्टेस थी। इनके साथ डिनर करने का अकीरा का सपना भी पूरा हो रहा था। तब अकीरा उनमें से एक गर्ल को इम्प्रेस करना चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कहाँ से स्टार्ट करे। उसके अगले सीन में जो अकीरा था वो युकारी के पास जाकर सीधा उससे पूछने लगता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद युकारी सोचने लगती है कि ऐसी कंडीशन में कोई उससे ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। जिसके बाद अकीरा वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाता है और वो केंचो के पास हेल्प के लिए जाने लगता है। पर केंचो पहले से ही मागी को इम्प्रेस कर चुका था और वो उसके साथ था जिसे देखकर अकीरा सोचने लगता है कि काश वो भी केंचो जितना हैंडसम होता। तो वहां पर अकीरा हिम्मत नहीं हारता और एक ड्रिंक की बोतल को खुद पूरी पी लेता है और दूसरी तरफ जो केंचो था वो भी सबको अपना डांस दिखाने लगता है। पर वहां पर अकीरा को वो ड्रिंक हजम नहीं होती और वो टॉयलेट में चला जाता है वोमिट करने के लिए। तभी वहां पर युकारी आती है जो कि अकीरा से उसकी कंडीशन पूछने के लिए आई थी। जिसके बाद अकीरा की उम्मीदें दोबारा बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ केंचो और माकी भी एक रूम ढूंढने लगते हैं और बस अब एक और वो आदमी ही बचे थे वहां पर। और साथ ही हमें वहां पर पता चलता है कि जो वो डरा हुआ आदमी था वो इन्फेक्टेड था यानी उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था और कुछ देर में वो वहां पर ज़ॉम्बी बन जाता है। और इससे पहले रीका कुछ समझ पाती वो आदमी रीका को काट लेता है और उसे भी ज़ॉम्बी बना देता है। इसकी चीख वहां पर केंचो को भी सुनाई आती है और दूसरी तरफ हम अकीरा और युकारी को देखते हैं जहां पर युकारी अकीरा से कह रही होती है उसे उसकी फिकर हो रही थी। तो साथ ही बताते हैं कि हाँ उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिसे सुनकर अकीरा का सपना दोबारा टूट जाता है। दूसरी तरफ हम केंचो को देखते हैं जो कि नीचे आता है, रीका को देखता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो केंचो के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आती है। पर केंचो वहां पर बच जाता है पर माकी नहीं क्योंकि वो नशे में थी। जिसके बाद रीका केंचो पर दोबारा हमला करने के लिए आती है पर केंचो वहां पर उसके मुंह पर एक बैग मारता है जिसकी वजह से वो शांत हो जाती है। उसे मारने के लिए वहां पर सॉरी भी मांगता है जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो आदमी कहां पर है। दूसरी तरफ हम युकारी और अकीरा को देखते हैं जो कि काफी बातें करते हैं और जहाँ पर युकारी उसे अपनी जॉब के बारे में बताने लगती है और साथ ही बताती है कि किसी एक ओल्ड मैन ने उसे भरा बोला कह दिया था जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो गई और साथ ही उसे लगा था कि उसकी जॉब बहुत ही शानदार होगी। जिसके बाद अकीरा कहता है कि उसे भी अपनी जॉब स्टार्टिंग में शानदार लगी थी और बाद में उसे रियलाइज हुआ था कि वो उस जॉब के लिए बना ही नहीं था। अकीरा उससे कहता है कि अगर एयर होस्टेस बनना तुम्हारा सपना था तो तुम्हें किसी ओल्ड मैन की बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। वो दोनों बातें कर रही होते हैं पर तभी पीछे से वो जो आदमी था जो ज़ॉम्बी बन चुका था वो युकारी के ऊपर गिर जाता है जिसकी
के बाद अकीरा उसे वहां से हटाता है, पर वो युकारी को इन्फेक्ट कर चुका था, जिसके बाद युकारी उसे जाने के लिए कहती है, पर अकीरा को वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद युकारी अकीरा को हक कर कर बताती है कि जब वो छोटी थी एक प्लेन से जा रही थी तो उसे वहां पर वोमिट हो रही थी और एक एयर होस्टेस ने उसकी पीठ को रब करा था, और उसने तभी से सोच लिया था कि उसे बड़े होकर एक एयर होस्टेस बनना है। और जिसके बाद अकीरा उससे कहता है कि वो भी अपना सपना ढूंढ ही लेगा, जिसके बाद वो आदमी दोबारा उनके पास आने लगता है और जो युकारी थे वो अकीरा को वहां से दूर हटाती है और साथ ही उसे जाने के लिए कहती है, जिसके बाद अकीरा रोते हुए वहां से चला जाता है और वो बाहर आकर केंचो को देखता है। केंचो अकीरा से कहता है कि उसे जल्दी यहां से जाना होगा, साथ ही केंचो बताता है कि उसने इस मॉल की सबसे बड़ी टीवी भी उठा ली है। और वो देखते हैं कि उस मॉल के पास से वो ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे, जिसके बाद वो बाइक पर बैठकर उस टीवी के साथ वहां से निकल जाते हैं और दोबारा उसी बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर केंचो अकीरा को बताने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था, पर अकीरा कुछ और ही सोच रहा होता है। साथ ही वो अपने बचपन के सपने के बारे में सोचने लगता है, पर उसे कुछ याद ही नहीं था। साथ ही वो अपने लिस्ट में ये भी लिख देता है कि उसे अब अपने बचपन का सपना भी सोचकर उसे पूरा करना है। और जिसके बाद अकीरा पूरी एनर्जी से दोबारा गेम खेलने लगता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको नए एनिमे या फिर नए वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।